कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है अरिन जैन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ओनली नॉलेज। आज आपको एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात होने वाली है, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल से देख ही लिया होगा। हाँ, आज फिर से हम फोन्स के बारे में आ गए, टॉप 5 फोन्स। हालांकि मेरे पास 5 फोन्स नहीं है, मेरे पास 7 फोन्स है, दो आपके लिए बोनस समझ लो। तो काफी अमेजिंग फोन्स है और इस टाइम में सबसे बेस्ट है अंडर 15K, बेस्ट फोन्स अंडर 15K। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट चीज के बारे में, फर्स्ट फोन के बारे में आते, सॉरी ये मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे, सबसे टॉप पे अपना जो फोन होगा वो सबसे बेस्ट होगा, इसलिए नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे। चलिए शुरू कर दे। सबसे पहले बात कर दे, वो फोन काफी पुराना है, फोन है Xiaomi का A1। इसकी प्राइस है अभी, मैं आपको कह देता हूँ, ये प्राइस अब बदल सकती है भाई, कभी सेल लगती है कभी नहीं लगती है, क्योंकि मैंने देखा हो तब सेल हो क्या हो वो मेरे को नहीं पता, इसलिए प्राइस में वेरी हो सकता है। ये फोन मिलेगा आपको 13,999 रुपीज़ का फोन पड़ेगा, बट इसमें A2 भी आने वाला है, इसलिए अगर सबर कर सकते हो तो कर लो। और इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 4GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। स्नैपड्रैगन 625 आ रहा है, जो अभी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डुअल कैमरा है जो काफ़ी अच्छे हैं, मैंने इसको एक दोस्त के पास से उसको ट्राई भी किया, काफ़ी अच्छे फोटो स्पीड मिलते हैं बैक और रियर दोनों। और सबसे मेन जो इसमें चीज़ है जिसके लिए फेमस है वो है स्टॉक एंड्रॉयड। हालांकि काफ़ी मतलब इस पर आपको एंड्रॉयड की हर एक अपडेट मिल ही जाएगी इसके अंदर आपको, ये काफ़ी अच्छी बात है। पर बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फोन आने वाला है फोन है अमेजन की तरफ से, काफी अमेजिंग फोन है ये। इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 626 यूज किया, जो अभी भी काफी अच्छा प्रोसेसर है। इसके अंदर 4GB की रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज। प्राइस चेंज हो सकती है, मैंने आपको पहले भी कहा था 13,999 रुपीज़ इसकी प्राइस अभी है, क्या पता ये बाद में हो या नहीं हो। इसके अंदर भी आपको बैकवर्ड डुअल कैमराज मिलते हैं काफ़ी अच्छे, मतलब ये डस्ट प्रूफ भी है शायद से, मेरे हिसाब से नहीं है तो मतलब नहीं है तो भी ठीक बात है, कहीं खराब बात नहीं। दोस्तों नेक्स्ट फोन जो है LG का Q6 है, काफ़ी पुराना तो नहीं कह सकते, काफ़ी नया भी नहीं कह सकते, ठीक है मिड रेंज में इसको स्टार्ट किया था, इसमें सबसे मेन आ रही है। अब अपन बढ़ रहे आगे की तरफ बढ़ रहे, इसके लिए बता रहा हूँ इसमें जो है 18:9 का बॉडी रेशियो आने वाला है, 5.5 इंच की डिस्प्ले है, 5.5 इंच की डिस्प्ले है। स्नैपड्रैगन 435 है जो ठीक है, खराब भी है। 1.4 GHz का प्रोसेसर है, 3GB और 32GB का स्टोरेज मिल जाएगा। और सबसे मेन बात तो इसके लिए मुझे ये लगी कि कंपनी कहती है कि इसमें 2TB का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। भाई लाओ मेमोरी कार्ड लगा तो दोगे, पर लाओगे कहाँ से? चलो ले भी आए तो जितने का फ़ोन नहीं उतने का तो मेमोरी कार्ड ही पड़ जाएगा, काफ़ी। और इसके अंदर 6 मंथ की स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिलेगी, मतलब 6 महीने में अगर आपका ग्लास टूटता है कुछ भी होता है उसकी आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट फोन की बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट फोन है अपना मोटोरोला का मोटो G5S प्लस, काफी बड़ा नाम है। 625 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, जो भी आपने MI A1 में यूज किया गया था। 4GB की रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज, कैमरा इज बेस्ट, 5.5 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले। इसके अंदर भी कैमरे के ऊपर काफ़ी फोकस किया हुआ है और इस पर कैमरे में काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे पोर्ट्रेट सेल्फी, और नो लाइट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है कैमरा। और नाम तो है वापस मोटरोला का, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग क्या होते हैं Xiaomi चाइना की कंपनी है इसलिए हम उसको नहीं लेंगे, तो मोटरोला भी कोई इंडियन कंपनी नहीं है भाई, वो मोटोरोला को लिनोवो ने अब मतलब अपने अंदर ले लिया है, तो लिनोवो भी कोई इंडियन कंपनी नहीं है, लिनोवो भी एक चाइनीज कंपनी है, इसलिए इसके बारे में मेरी यही राय है। नेक्स्ट फोन के बारे में बात करते हैं, ये हालांकि अभी इसको रखना नहीं चाहिए,
लेकिन फिर भी मुझे ये फोन काफी अच्छा लगता है प्राइस के हिसाब से भी, मतलब लुक इसका बहुत अच्छा है। सबसे बात करते हैं ऑनर का 9 लाइट है ये फोन, इसके अंदर 4 कैमराज यूज किए गए, 13+2 बैक, 13+2 इन फ्रंट। K659 का प्रोसेसर है, डिस्प्ले इज वेरी गुड, इसका बैक भी काफी अच्छा है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। ये फोन बहुत ही अच्छा है, ऑनर 9 लाइट काफी अच्छा फोन है। अगर आपकी ऑनर में दिलचस्पी है तो इस फोन को आप जरूर लीजिए, मेरे हिसाब से तो मुझे काफी अच्छा लगता है, आगे लेना नहीं लेना आपकी मर्जी। तो नेक्स्ट फोन के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट फोन अपने इंडिया का कैमरा बिस्ट जिसको कह सकते हैं, कैमरे पे ज्यादा फोकस किया हुआ है, कौन सा पता चला नहीं बताता हूँ, Xiaomi का Redmi Note 5 Pro। सबको पता है इसकी स्पेसिफिकेशन, फिर भी मैं बता रहा हूँ, मैं बताने वाला हूँ इसके अंदर। देखो स्नैपड्रैगन का 636 बहुत अच्छा, 4000 mAh की बैटरी बहुत अच्छी, 18:9 का बॉडी रेशियो काफ़ी अच्छा, 5.99 इंच की डिस्प्ले मिलती है जो भी काफ़ी अमेजिंग है, डिस्प्ले में राउंडेड कॉर्नर्स दिए हुए हैं इसके अंदर जो काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करते हैं, और 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है LED फ्लैश के साथ, और 12+5 का बैक कैमरा है विथ LED। बहुत अच्छा फ़ोन है अगर लेना चाहते हो तो, लेकिन इसका अल्टरनेटिव आ चुका है इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। Xiaomi लवर्स के लिए काफ़ी, Xiaomi के लिए काफ़ी बुरी न्यूज़ है क्योंकि Asus भी आ चुका है, इसलिए नेक्स्ट फोन उसके बारे में ये दोस्तों। तो जो लास्ट फोन है उसका हमारी लिस्ट का वो है Asus ZenFone Max Pro M1। काफ़ी अमेजिंग फ़ोन है, मतलब Redmi Note 5 Pro का तो पक्का कंपटीटर है, काफ़ी चीज़ें Redmi Note 5 Pro में भी अच्छी और काफ़ी इसमें भी अच्छी है, Asus ZenFone Max Pro M1 में भी। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर इसके ऊपर कंपेरिजन वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं बनाऊँगा अगर आप चाहते हो तो। बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसकी स्पेसिफिकेशन बात करते हैं, 5.99 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले, 5000 mAh की बैटरी, 13+5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, वो काफ़ी अच्छा है, रियर कैमरा बहुत अच्छा है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो मैं चाहता था कि Xiaomi के कंपटीटर में नहीं है, Xiaomi में जो Redmi Note 5 Pro का जो कैमरा है वो बहुत अच्छा है। और इसमें सबसे अच्छी बात मेरे को लगी, डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, Xiaomi ये कभी नहीं देता लेकिन इसने आज दिया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें एक मेमोरी कार्ड, 2 SIM लगा सकते हो, ड्यूअल वॉल्टी का फीचर है और फेस अनलॉक भी आपको इसमें मिल जाएगा, और इसकी फ़ोन के साथ एक एक्सेसरी आती है मैक्स बॉक्स नाम की एक एक्सेसरीज आती है जिसको यूज़ कर सकते हो आप और इसकी ऑडियो को इम्प्रूव कर सकते हो। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और आपको इस माइक से छुटकारा मिलने वाला है, मतलब इस हेडफोन से सॉरी छुटकारा मिलने वाला है, ये रहा वो हेडफोन देख सकते हो, इसको यूज़ करता हूँ, इससे छुटकारा मिलने वाला है। मैंने एक नया माइक परचेस कर दिया है, ऑर्डर कर दिया है, 18 तारीख तक आ जाएगा, और एक और अनबॉक्सिंग आने वाली है उसको ज़रूर देख लेना अगर आपको पसंद आती है। मेरे वीडियो पसंद आए तो जो भी है वो लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मत जाना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट और अमेजिंग वीडियो में, वंदे मातरम, जय हिंद। मुझे यह बात अच्छी लगी इसलिए मैंने इसको फॉलो किया।